हिंदवंशी ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्रस्तुत करते हैं झारखंड करंट अफेयर्स क्विज सीरीज। यह सीरीज जेपीएससी एवं जेएसएससी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। राज्य विशेष घटनाक्रम संग्रह की कड़ी में झारखंड करंट अफेयर्स क्विज सीरीज का चौथा अंक। चलिए आगाज करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से झारखंड की किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की ओर से खेलते हुए 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गौरव हासिल किया है? ए सलीमा टेटे, बी असुंता लकड़ा, सी संगीता कुमारी, डी निक्की प्रधान। सही जवाब है निक्की प्रधान। झारखंड की हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान ने इंग्लैंड के खिलाफ भारत की ओर से खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय मैचों का शतक पूरा कर लिया है। निक्की प्रधान ने अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर 2015 में शुरू किया था। अगला सवाल, ज्वारीय विघटन मतलब टाइडल डिसप्शन की घटना किस खगोलीय पिंड के आकर्षण से संबंधित है? ए सूर्य का आकर्षण, बी चंद्रमा का आकर्षण, सी धूमकेतु का आकर्षण, डी ब्लैक होल का आकर्षण। सही जवाब है ब्लैक होल का आकर्षण। पहली बार शोधकर्ताओं ने ब्लैक होल द्वारा कॉस्मिक कैटेक्लिज्म के तहत एक तारे को टूटते हुए देखा है। ब्लैक होल द्वारा किसी तारे को खींचकर खुद में समा लेने की इस प्रक्रिया को ज्वारीय विघटन या टाइडल डिसप्शन कहते हैं। इस विनाशकारी खगोलीय घटना को नासा के गृहीय खोज के लिए भेजे गए उपग्रह ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सवे सैटेलाइट के द्वारा अवलोकित किया गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ किया गया है? ए पुरी, बी मुंबई, सी कोची, डी विशाखापट्टनम। सही जवाब है मुंबई। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा मुंबई के बांद्रा वली सीलिंग के पास अरब सागर में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ किया गया है। अगला सवाल, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा से कृषि संसाधनों के विकास करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ए बिहार, बी मणिपुर, सी झारखंड, डी तेलंगाना। सही जवाब है झारखंड। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा से कृषि संसाधनों के विकास करने के मामले में झारखंड देश में अव्वल है। मंत्रालय की ओर से जारी इस रैंकिंग में झारखंड पहले पायदान पर जबकि तेलंगाना एवं लक्षद्वीप क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं। मनरेगा के तहत झारखंड में खेती की संरचनागत विकास पर मनरेगा के कुल खर्च का लगभग 97% खर्च होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है? ए 5 सितंबर, बी 5 अक्टूबर, सी 5 नवंबर, डी 5 दिसंबर। सही जवाब है 5 अक्टूबर। पूरे विश्व में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस साल के विश्व शिक्षक दिवस की थीम यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन है। अगला सवाल, कोमोरोस के राष्ट्रपति ने किस भारतीय व्यक्ति को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी एम वेंकैया नायडू, डी अरविंद केजरीवाल। सही जवाब है एम वेंकैया नायडू। कोमोरोस के राष्ट्रपति ने भारतीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित किया। अगला सवाल, 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? ए रांची, बी नासिक, सी रायपुर, डी गुवाहाटी। सही जवाब है रांची। 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में किया गया। चैंपियनशिप में रेलवे की टीम 264.5 अंक के साथ ओवरऑल चैंपियन रही। पुरुष वर्ग में नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले तेजिंदर पाल सिंह तूर 1176 अंक
व महिला वर्ग में नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाली दुती चंद 1152 अंकों के साथ सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई। अगला सवाल, ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क को लेकर किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? ए चीन नेपाल, बी चीन भूटान, सी भारत नेपाल, डी भारत भूटान। सही जवाब है चीन नेपाल। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के बीच ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क को लेकर समझौता हुआ है। ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क नेपाल को चीन के प्रोजेक्ट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लिंक करेगी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? ए किरण बेदी, बी अनिल बैजल, सी गिरीश चंद्र मुर्मू, डी राधा कृष्ण माथुर। सही जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्र सरकार ने गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया है। अगला सवाल, बालिकाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। राज्य में बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत किसी भी परिवार में बालिका के जन्म पर प्रत्येक परिवार को 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगला सवाल, वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 17 बड़े राज्यों की सूची में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए पहला, बी पांचवां, सी चौदहवां, डी सत्रहवां। सही जवाब है सत्रहवां। नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर तथा महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 17 बड़े राज्यों की सूची में झारखंड अंतिम स्थान पर है। अगला सवाल, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए मणिपुर, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब है महाराष्ट्र। भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में महाराष्ट्र प्रथम, केरल द्वितीय और तमिलनाडु तृतीय स्थान पर है। न्याय दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 4 मानकों पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने सभी 7 प्रदेश के राज्यपालों को एक साथ बर्खास्त कर दिया? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी पाकिस्तान। सही जवाब है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल के सभी 7 प्रदेश के राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त किए गए सभी राज्यपाल नेपाली कांग्रेस सरकार के समय नियुक्त हुए थे। मौजूदा समय में नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस जज ने झारखंड उच्च न्यायालय के 13वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ए रवि रंजन, बी सुरेश गोगोई, सी लक्ष्मीकांत सिंह, डी रामनरेश गोस्वामी। सही जवाब है रवि रंजन। जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने झारखंड उच्च न्यायालय के 13वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अगला सवाल, वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से किस देश की संसद ने एक जीरो कार्बन बिल पारित किया है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी स्वीडन, डी न्यूजीलैंड। सही जवाब है न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड ने वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से जीरो कार्बन बिल पारित किया। अगला सवाल, जाली या डुप्लीकेट उत्पादों की पहचान के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में प्रोजेक्ट जीरो पेश किया है? ए स्नैपडील, बी अमेजोन, सी फ्लिपकार्ट, डी अलीबाबा। सही जवाब है अमेजोन। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना प्रोजेक्ट जीरो पेश किया है। इसके जरिए विभिन्न ब्रांडों को जाली या डुप्लीकेट उत्पादों की पहचान के लिए अतिरिक्त माध्यम मिलेंगे तथा वे उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से हटा सकेंगे। अगला सवाल, विश्व के पहले मुस्लिम योग शिविर का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? ए केरल, बी मिजोरम, सी उत्तराखंड, डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब है उत्तराखंड। विश्व के पहले मुस्लिम योग शिविर का आयोजन उत्तराखंड के कोटद्वार में किया जाएगा। इस योग शिविर में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के साथ पतंजलि योगपीठ के द्वारा बताए गए योगासन भी करेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विधानसभा में 10वें राष्ट्रमंडल युवा संसद का आयोजन किया जाएगा? ए बिहार विधानसभा, बी दिल्ली विधानसभा, सी महाराष्ट्र विधानसभा, डी उत्तर प्रदेश विधानसभा। सही जवाब है दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा में 10वें राष्ट्रमंडल युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। भारत में पहली बार किसी विधानसभा के अंदर राष्ट्रमंडल युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। अगला सवाल, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 में किन दो राज्यों को फोकस राज्य बनाया गया है? ए बिहार और झारखंड, बी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, सी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, डी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सही जवाब है बिहार और झारखंड। 39वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस वर्ष मेले की थीम व्यापार करने में सुगमता अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। इस वर्ष अफगानिस्तान को मेले का भागीदार देश, दक्षिण कोरिया को मेले का फोकस देश तथा बिहार और झारखंड को फोकस राज्य बनाया गया है। अगला सवाल, महिलाओं पर हो रही हिंसा को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 3 मई, बी 11 जुलाई, सी 15 सितंबर, डी 25 नवंबर। सही जवाब है 25 नवंबर। 25 नवंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस महिलाओं पर हो रही हिंसा को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगला सवाल, केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस राज्य को दिव्यांगजन पुनर्वास के क्षेत्र में सर्वोत्तम राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? ए बिहार, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में दिव्यांगजन पुनर्वास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम पुरस्कार दिया गया। सुगम्य भारत अभियान के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। विभाग की वेबसाइट को सर्वोत्तम दिव्यांग हितैषी वेबसाइट और सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी को सर्वोत्तम जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2019 की थीम क्या है? ए वीमेन एंड ह्यूमन राइट्स, बी स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, सी नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड, डी ह्यूमन राइट्स एंड सिटीजनशिप। सही जवाब है स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दुनिया भर में हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को सर्वराष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा में निर्विरोध स्वीकार किया गया था,
जिसके उपलक्ष्य में हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस साल के मानवाधिकार दिवस की थीम स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स है। अगला सवाल, भारत में निमोनिया की परिस्थिति का विश्लेषण करने के लिए सेव द चिल्ड्रन संस्था के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक निमोनिया का एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आरई का प्रचलन दर निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज्यादा है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है बिहार। भारत में निमोनिया की परिस्थिति का विश्लेषण करने के लिए सेव द चिल्ड्रन संस्था के द्वारा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक इन पांचों राज्यों में बिहार की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। इन राज्यों में निमोनिया का एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आरई का प्रचलन दर बिहार 18.2%, उत्तर प्रदेश 15.9%, झारखंड 12.8%, मध्य प्रदेश 11.6% तथा राजस्थान 8.4% है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की? ए पटना, बी कानपुर, सी वाराणसी, डी कोलकाता। सही जवाब है कानपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। अगला सवाल, बैंकॉक में आयोजित 21वीं एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? ए झानू हंसदा, बी दीपिका कुमारी, सी मधुमिता कुमारी, डी लक्ष्मी रानी माझी। सही जवाब है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी ने बैंकॉक में आयोजित 21वीं एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता में महिलाओं के व्यक्तिगत रिकर्व मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। दीपिका कुमारी ने फाइनल में एक तरफा मुकाबले में अंकिता भगत को 6-0 से हराया। अगला सवाल, किस देश ने महात्मा गांधी के विचारों और उद्धरणों से प्रेरित गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने किए जाने की घोषणा की है? ए ब्रिटेन, बी जापान, सी पुर्तगाल, डी दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब है पुर्तगाल। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने हेतु उनके विचारों और उद्धरणों से प्रेरित गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने किए जाने की घोषणा की है। एंटोनियो कोस्टा के अनुसार गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस टीम ने पहली बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग का खिताब जीता है? ए पंजाब पैंथर्स, बी बॉम्बे बुलेट्स, सी गुजरात जायंट्स, डी ओडिशा वॉरियर्स। सही जवाब है गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स ने पंजाब पैंथर्स को फाइनल में 4-3 से हराकर पहली बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग का खिताब जीता है। अगला सवाल, ट्रांसजेंडरों के लिए भारत के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाएगी? ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिलनगर खंड में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगला सवाल, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रम में नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सही क्रम क्या है? ए पांचवां, बी आठवां, सी ग्यारहवां, डी चौदहवां। सही जवाब है 11वां। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। झामुमो ने कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ा और 81 सदस्यीय सदन में 47 सीटों के साथ सहज बहुमत हासिल किया। झामुमो ने प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में 30 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस और राजद ने क्रमशः 16 और 1 सीट हासिल की है। आखिरी सवाल,
भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन है? ए झारखंड, बी नागालैंड, सी उत्तराखंड, डी मिजोरम। सही जवाब है मिजोरम। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम 85.40% सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य तथा मध्य प्रदेश 77,482 वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अतिरिक्त ज्ञान सामग्री के लिए हमारी वेबसाइट hindvanshieducation.com पर जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।